दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। वर्धन वंश या इसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, या इसे ही कभी कभार गुप्त उत्तर काल भी कह दिया जाता है। देखिए, जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो जो उत्तर भारत का क्षेत्र था उसमें कई छोटे छोटे राज सत्ता में आ गए। जैसे इनमें से कुछ वंश प्रमुख थे, जैसे मौखरी वंश, गौड़ वंश, पुष्यभूति वंश, ठीक है। ये सारे, इनको एक मौका मिल गया कि ये अपनी सत्ता स्थापित कर सकें, है ना। आप मैप में देख पा रहे होंगे कि ये इनका वंश कहाँ कहाँ स्थापित हुआ है। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है वो है पुष्यभूति वंश, जो पिंक में दिख रहा है वो मौखरी वंश, और जो ये गौड़ हैं ये बंगाल के गौड़ कहलाते थे, बंगाल के गौड़ शासक, ठीक है। जो इनका जो क्षेत्र था वो पूरे बंगाल तरफ था। अब देखिए, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है गुप्त वंश के बारे में, उस वीडियो को आप जाकर ज़रूर देखें। उसमें जितनी जानकारी ज़रूरी रहती है जानने को किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, उस वीडियो में मैंने सारी जानकारी दिया है। तो लेकिन उसमें ये नहीं बताया कि गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, क्योंकि वो कभी परीक्षा में पूछे नहीं जाते। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जब गुप्त साम्राज्य चल रहा था तो भारत में जब गुप्त साम्राज्य चल रहा था तो पश्चिम तरफ हूणों का शासन था। ये हूण क्या करते थे, भारत पर कब्जा करने के लिए लगातार आक्रमण करते रहते थे। हालांकि ये कभी सफल तो नहीं हो पाए, लेकिन लगातार ये आक्रमण करते रहते थे। अब देखिए, जीते हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शत्रु अगर हार भी जाए तो भी वो नुकसान इतना कर देता है कि उसकी क्षति पूर्ति करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही गुप्त साम्राज्य के साथ हुआ, उन्होंने इतना आक्रमण किया, इतने आक्रमण किया कि उसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई गुप्त साम्राज्य की, और यही एक मुख्य कारण था उसके पतन का। तो खैर, आज हम वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। जो ये छोटे छोटे राज सत्ता में जो आए उनमें सबसे शक्तिशाली वंश था पुष्यभूति वंश, ठीक है। देखिए, इसके संस्थापक का नाम था पुष्यभूति वर्धन, इसलिए इसे वर्धन वंश कहा जाता है, या पुष्यभूति, कभी नाम पे कभी सरनेम पे, ठीक है। तो पुष्यभूति वर्धन, ये आप याद रखिए संस्थापक। अब बस इसके बारे में इतना ही जानना है। इस वंश के जो पांचवें शासक हुए जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन, उसके बारे में हमको जानना है, और उसके जो बेटे हुए, बेटी हुई, उसके बारे में जानना है, ठीक है। तो देखते हैं ये प्रभाकर वर्धन थे कौन। देखिए, पुष्यभूति वर्धन ने अपना राज स्थापित किया, ठीक है, वर्धन वंश स्थापित किया, और अपनी राजधानी कहाँ बनाई, थानेश्वर हरियाणा में, ठीक है। मैप में आप देख पा रहे हैं थानेश्वर, जो आज का हरियाणा का क्षेत्र है, उस टाइम तो हरियाणा जाने नहीं जाता था, थानेश्वर कहा जाता था। जो आज का क्षेत्र है हरियाणा, वो उस समय थानेश्वर के नाम से जाना जाता था। अब प्रभाकर वर्धन के तीन पुत्र थे, तीन संतानें थी, दो पुत्र थे एक पुत्री थी। जो सबसे बड़े बेटे थे उनके, उनका नाम था राज्यवर्धन, जो छोटे बेटे थे उसका नाम था हर्षवर्धन, और जो एक पुत्री थी उसका नाम था राज्यश्री, ठीक है, ये बात याद रखना। अब प्रभाकर वर्धन जो थे उनके बारे में प्रश्न, जो परीक्षा में सिर्फ एक ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि उनकी उपाधि क्या क्या थी, क्योंकि उन उपाधि दे दिए रहते हैं कि ये उपाधि किसने धारण की थी, तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि राज्यवर्धन ने धारण की थी, कि हर्षवर्धन ने, कि प्रभाकर वर्धन ने। तो प्रभाकर वर्धन की उपाधियाँ क्या क्या थी ये हम देख लेते हैं। जो पहली उपाधि उसे मिली थी वो थी प्रतापशील, दूसरी हुण हरिन केसरी, और तीसरी महाराजा धीराज। हुण हरिन केसरी क्यों कहा जाता था इसे, क्योंकि देखिए गुप्त वंश के बाद भी हुण आक्रमण करते रहते थे, ठीक है। और देखिए, मैंने जैसे मैप में बताया पुष्यभूति वंश सबसे लेफ्ट साइड है, मतलब मौखरी और गौड़ वंश के कंपैरिजन में सबसे लेफ्ट साइड है, तो आक्रमण इस पर हुआ करता था, और ये उन आक्रमणों को रोकने में काफ़ी हद तक सफल हुआ, इसलिए इसे हुण हरिन केसरी कहा जाता है। प्रभाकर वर्धन के बारे में हमें सिर्फ इतना ही जानना है। अब आइए देखते हैं इनके संतानों के बारे में, इन्होंने क्या क्या करके। तो ये आप चार्ट जरूर देखें, प्रभाकर वर्धन, फिर ये राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन को गद्दी हासिल होती है, ठीक है, राजगद्दी पर राज्यवर्धन बैठता है। इसका जो छोटा भाई रहता है हर्षवर्धन, हालांकि इससे भी शक्तिशाली रहता है, कम उम्र का रहता है, लेकिन बहुत अधिक बलशाली, इसकी जो सोचने की क्षमता थी, बुद्धिमत्ता, ये राज्यवर्धन से कई अधिक थी। लेकिन जैसे प्रथा चले आती है कि बड़े भाई को ही राजगद्दी मिलती है, वैसे ही उस वजह से राज्यवर्धन को गद्दी मिली। अब इन्होंने अपनी बहन की शादी कन्नौज के मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन से, या ग्रहवर्मन से कराई, ठीक है। उस समय होता क्या था, देखिए, जो वर्धन वंश, मतलब जो वर्धन साम्राज्य था, वर्धन वंश,
जो इन लोगों का क्षेत्र था और जो मौखरी का क्षेत्र था वो पड़ोसी थे, एक दूसरे के पड़ोसी थे, तो कुछ ना कुछ कारण से मतभेद इन लोगों के बीच होते रहता था। आए दिन कुछ ना कुछ झगड़ा होते थे, कभी ये उन लोगों के सैनिक मारते थे बॉर्डर एरिया में, कभी इन लोग उनके मारते थे। तो इसका एक उपाय खोजा गया कि क्यों ना हमारी जो बहन है उसकी शादी वहाँ के शासक से करा दिया जाए, तो एक रिश्ता स्थापित हो जाएगा और संबंध अच्छे हो जाएंगे। तो राज्यश्री का विवाह किससे कराया गया, ये आपको याद रखना है, कन्नौज के मौखरी वंश के शासक गिरिवर्मन से, ठीक है। अब वहीं एक मालवा का एक शासक था देवगुप्त, ठीक है। मालवा कौन सा, देखिए मालवा राजस्थान तरफ आता है, गुजरात और राजस्थान के, गुजरात का थोड़ा सा क्षेत्र और मालवा जो राजस्थान है मुख्यतः, ये वाला जो शेष जो क्षेत्र था इस पर देवगुप्त का शासन था। इसने क्या किया, कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। अब उस समय वहाँ के राजा कौन थे, गृहवर्मा, किसके पति थे ये, राज्यश्री के, ठीक है। कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और गृहवर्मा को मार दिया। अब उसकी पत्नी को क्या किया, इसने बंदी बनाकर जेल में डाल दिया, ठीक है, कारागार में डाल दिया। तो देवगुप्त ने इस पर आक्रमण करके गृहवर्मा की हत्या कर दी। ये बात जब राज्यवर्धन को पता चली, उस समय गद्दी पर राज्यवर्धन बैठा हुआ था, तो राज्यवर्धन ने देवगुप्त पर आक्रमण कर दिया। ये क्या किया, देवगुप्त कन्नौज पर, देवगुप्त उस समय बैठा हुआ था क्योंकि उसको जीत चुका था, कन्नौज में जाकर देवगुप्त की हत्या कर दी इसने। अब देखिए देवगुप्त जो थे उसके एक मित्र थे शशांक। शशांक कौन, जो बंगाल के गौड़ वंश के एक शासक थे जिसका नाम था शशांक। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं बंगाल का, इसके शासक थे शशांक, ये इनके मित्र हुआ करते थे। तो जब इसने देवगुप्त की हत्या कर दी, राज्यवर्धन ने जब देवगुप्त को मार दिया, तो शशांक ने इससे बदला लेने की सोची। अब उस समय राज्यवर्धन की भी शक्ति, मतलब शक्ति काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। शशांक भी काफ़ी बलशाली था, मतलब उसकी सेना अच्छी खासी थी। तो शशांक ने सोचा कि इसको ऐसे मारना तो मुश्किल है, आक्रमण करूंगा मेरा भी नुकसान होगा, इसका भी नुकसान होगा, एक काम करता हूँ इसको मिलने के लिए बुलाता हूँ और तब इसको मारूंगा। तो जो कहानी शिवाजी की थी आप लोगों ने अभी कभी सुनी होगी, शिवाजी की कहानी, ठीक है। अफजल खां उसको जब वो पकड़ में ही नहीं आता शिवाजी, है ना, उसको मुगल ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाता, क्योंकि वो जंगल में ज़्यादातर छुपा हुआ करते थे, गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे, है ना, घात लगा के वार करते थे, जो आज नक्सली करते थे, है ना। नक्सल भी कम कम संख्या में है लेकिन एक चुनौती बनकर सामने आया वैसे ही। हालांकि शिवाजी तो अच्छे के लिए लड़ रहे थे, तो शिवाजी को भी जब पकड़ नहीं पाते थे तो अफजल खान ने क्या कहना चाहिए, योजना बनाई कि उसे मिलाया, मिलने के लिए बुलाया जाए। अफजल खान ने, हालांकि मैं यहाँ पे शिवाजी का टॉपिक बता रहा हूँ लेकिन जानना ज़रूरी है, यहाँ पे थोड़ा सा सुन लीजिए इसके बारे में। अफजल खान ने क्या किया, शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया। अफजल खान जिसकी हाइट 8 फुट से ज़्यादा थी और चौड़ाई खली जैसी थी, आज का जो खली है उसके जैसी थी, वहीं उसके मुकाबले जो शिवाजी थे बहुत छोटे थे लेकिन फुर्तीले बहुत थे। जो शिवाजी थे उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि ये ज़रूर मेरे ऊपर वार करेंगे, ठीक है, ज़रूर मेरे ऊपर वार करेंगे। तो इसलिए शिवाजी ने पहले से तैयारी की थी और शिवाजी ने ये भी भांप लिया था कि सामने से ये मारे तो मैं तो बच जाऊंगा, मैं अपने आप को कैसे भी बचा सकता हूँ, लेकिन पीठ पीछे वार करें तो शायद अपने आप को ना बचा पाऊँ। तो शिवाजी ने कपड़े के अंदर आयरन बेल्ट पहना हुआ था, आयरन बेल्ट पहन के गए थे, ठीक है, कवच। तो जब अफजल खां उसको गले मिलने के लिए बुलाता है, गले जब मिलता है तब वो चाकू निकाल कर उसके पीठ पर वार करता है शिवाजी के। अब क्यों, चूँकि शिवाजी ने पहले से तैयारी कर रखी थी तो उनके पीठ पर वो चाकू अंदर जा नहीं पाता, लेकिन शिवाजी भी कम नहीं थे, उन्होंने भी अपने कलाई के पास कपड़े में टाइगर ग्लव्स, जिसे कहते हैं बगनखा, टाइगर ग्लव्स कहते हैं, जो बाघ के नाखून से बना हुआ रहता है, वो छुपा कर रखा था। और जैसे ही अफजल खान ने उसको उस पर आक्रमण किया, उसने भी टाइगर ग्लव्स निकाला और उसके पेट में घुसा दिया, ठीक है, और वो मार के वहाँ से भाग जाते। तो ऐसा ही कुछ राज्यवर्धन के साथ भी हुआ, शशांक ने उसे बुलाया लेकिन राज्यवर्धन तो यहाँ पर कोई तैयारी करके गया नहीं था। जब शशांक ने राज्यवर्धन से गले मिला, जब गले मिलने के लिए आया राज्यवर्धन, तो उसके पीठ पर चाकू भोंक कर उसकी हत्या कर दी। अब ये बात हर्षवर्धन को पता चली, ठीक है। हर्षवर्धन अब गद्दी पर बैठता है 606 ईस्वी में, तब वो मात्र 16 साल का रहता है। तो अब यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाए कि उसकी हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ, तो यहाँ से 16 साल कम कर लीजिए, 590 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। अब हर्षवर्धन को अपने भाई का बदला लेना था और उसकी बहन को भी उसे ढूंढना था। हर्षवर्धन उस समय 16 साल का तो था और शशांक से लड़ने में सक्षम भी था,
लेकिन इसने तुरंत आक्रमण नहीं किया। इसने क्या किया, देखिए मॉक जो बंगाल था वो एकदम ईस्ट साइड पड़ता है, मतलब पूर्वी क्षेत्र में, और जो पुष्यभूति वंश का जो क्षेत्र था वो एकदम वेस्ट साइड में पड़ता है। तो हर्षवर्धन ने सोचा, सबसे पहले तो मैं कन्नौज का जो उसकी हत्या की गई थी ग्रहवर्मन का, उसका कोई पुत्र नहीं था, तो कन्नौज भी पुष्यभूति वंश के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। ठीक है, अब सबसे पहले हर्षवर्धन तो कन्नौज पर गया। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई, ठीक है, वहाँ अपनी सेना ले गया, वहाँ सेना स्थापित किया। धीरे धीरे इसने अपनी सेना का विस्तार किया, एक विशाल सेना खड़ा किया ताकि वो शशांक को हरा सके। फिर ये शशांक के घर जाकर, मतलब बंगाल में जाकर उसको हराता है, शशांक को। शशांक के हारने के बाद वो भी क्षेत्र उसका कब्जा हो जाता है। तो अब आप देख पा रहे होंगे ये पूरा क्षेत्र किसका था, तो वर्धन वंश का, हर्षवर्धन के समय का ये क्षेत्र था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय का। ऐसे मैप में आप देखा करिए, अब जब कभी भी पढ़ें, मैं कोशिश करता हूँ, अब जो मैं वीडियो बनाता हूँ कोशिश करता हूँ कि एक एक चीज़ आपको मैप से बताऊँ, ताकि दिमाग में बने रहे कि कौन किधर से आक्रमण किया, किसका क्षेत्र कहाँ था। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें हमारी भूलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन आप इस मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर याद रहेगा सारी चीज़ें। तो ये तो हुआ शशांक की मृत्यु, और हर्षवर्धन अपनी बहन को खोजने भी जाता है। कहते हैं वो जंगल में सती होने ही वाली थी कि हर्षवर्धन कुछ जंगली सरदारों की मदद से वहाँ पहुँच जाता है और अपनी बहन को बचा लेता है। खैर उसके बारे में तो ये नहीं पूछेगा, लेकिन इतना जानना है कि उसकी बहन राजश्री थी, उसका विवाह किसके साथ हुआ था, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बंगाल के शासक शशांक को हराने के बाद उत्तर भारत के क्षेत्र में हर्षवर्धन का पूरा राज स्थापित हो गया। ठीक है, उत्तर भारत का क्षेत्र पूरा हर्षवर्धन का हो गया। कुछ ही एक क्षेत्र में हर्षवर्धन ने जीत हासिल नहीं कर पाई थी। उसके बाद हर्षवर्धन ने सोचा कि अब मैं उत्तर भारत जीत गया हूँ, मैं दक्षिण भारत की ओर अभियान करता हूँ। उस समय दक्षिण भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य थे और शक्तिशाली राज्य थे, छोटे जरूर थे। एक चालुक्य वंश भी नर्मदा नदी के जो नीचे वाला जो क्षेत्र है उस पर चालुक्य वंश का शासक था, और उस समय मतलब हर्षवर्धन के समय चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। नाम याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो बदामी या वतापी, बदामी भी कहा जाता है या वतापी। ठीक है, तो बदामी या वतापी का ये शासक था। अब हर्षवर्धन ने सोचा कि मैं नीचे भी जाकर आक्रमण करता हूँ, मतलब दक्षिण क्षेत्र में जाकर आक्रमण करता हूँ, और इसलिए उसने दक्षिण की ओर कूच किया। लेकिन चालुक्य वंश भी बहुत ही शक्तिशाली वंश था। पुलकेशिन द्वितीय के पास भी एक विशाल सेना थी जो हर्षवर्धन की सेना के मुकाबले कई अधिक थी। तो नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय की सेना का मुठभेड़ होता है। दोनों तरफ से भारी नुकसान होता है। कोई राजा नहीं मारा जाता, ना हर्षवर्धन मारा जाता है, ना पुलकेशिन द्वितीय मारा जाता है। सिर्फ सैनिकों की हत्या होती है, सैनिकों मारे जाते हैं बहुत। तो यहाँ पे आखिर में हर्षवर्धन को मजबूरन, जब उनके सैनिक बहुत सारे मारे जाते हैं, तो उनको समर्पण करना पड़ता है। मतलब पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हरा देते हैं। ठीक है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में उनको जो एकमात्र पराजय मिली वो किससे मिली, पुलकेशिन द्वितीय से मिली। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभी देखिए कहानी सुन लीजिए, 15 से 20 मिनट कहानी सुन लीजिए। लास्ट में जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट और हैं एक्स्ट्रा, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें तो आपको कहानी सुनने से याद हो ही जाएंगी, मुझे यकीन है। जो अलग से जो चीज़ पूछी जाती है, मैं वो लास्ट में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में अलग से बता दूँगा। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया। बस यहाँ तक की कहानी हर्षवर्धन की समाप्त। अंत में महत्वपूर्ण तथ्य में हम देखेंगे उसके बारे में, और हर्षवर्धन के शासनकाल में खेनसांग नाम का चीनी यात्री आया रहता है, वो सबके बारे में अंत में देखेंगे। अब देखिए, जो चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय, ये भी एक शासक से हारता है और इसे परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है। पुलकेशिन द्वितीय किससे हारता है, तो ये हारता है नरसिंह वर्मन प्रथम से। ठीक है, किससे हारता है, नरसिंह वर्मन प्रथम। देखिए पुलकेशिन द्वितीय और इधर नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन में नरसिंह वर्मन द्वितीय भी दिया रहता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, पुलकेशिन द्वितीय नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, यहाँ से आप रिलेट करके याद रखिए। नरसिंह वर्मन क्या है, पहले तो बहुत आक्रमण होता है इन लोगों के बीच, बहुत बार नरसिंह वर्मन हारता है, लेकिन जब शायद 7वीं या 8वीं बार जब उस पर आक्रमण करता है पुलकेशिन द्वितीय पर, तब पुलकेशिन द्वितीय हार जाता है, और ये जो नरसिंह वर्मन रहता है
पुलकेशिन द्वितीय को लेटाकर उसके उसका कपड़ा फाड़ कर उसके पीठ पर वातापी कोंडल गुदवा देता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है आपको, शायद पूछ दे एग्जाम में, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन याद रख लीजिए। वातापी कोंडा क्यों? क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? वातापी, ये वातापी या बादामी, तो इस कारण उसे वातापी कोंडा ये उसके पीठ पर गुदवा दिया। ठीक है, तो ये जानकारी थी वर्धन वंश के बारे में कुछ प्रमुख। अब इतनी कहानी तो समाप्त हो गई, इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहली बात जो हमको देखनी है, एक तरफ राज्य दूसरी तरफ राजधानी। तो वर्धन वंश की राजधानी मैं पहले ही बता चुका हूँ कौन सी थी, थानेश्वर थी। थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, अब हर्षवर्धन ने, जैसा कि मैंने बताया था, कन्नौज पर जब उसका अधिकार हो जाता है, क्योंकि कोई उत्तराधिकार हो रहता तो नहीं है ग्रहवर्मन का, तो कन्नौज पे जब उसका राज होता है तो थानेश्वर से कन्नौज हस्तांतरित करता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। मौकरी जो राज्य था उसकी राजधानी कौन सी थी? तो कन्नौज, है ना, मौकरी वंश का ही तो शासक था ग्रहवर्मन, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए, हर्षवर्धन अंतिम बौद्ध राजा था। ठीक है, बौद्ध राजा था, अंतिम बौद्ध राजा था और संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था। ठीक है, इसके कुछ नाटक हैं, देखिए प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शी का नाटकों के नाटककार कौन है? तो आपका उत्तर होना चाहिए हर्षवर्धन। ठीक है, देखिए इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, बहुत आसानी से याद रह सकते हैं। नागमणि सुना होगा आप लोगों ने, नागमणि होता क्या है? नागमणि एक रत्न होती है, एक रत्न जैसा रहता है और सबको प्रिय रहता है। ठीक है, और जैसे ही किसी को मिल जाता है तो उसका मन हर्ष से भर जाता है, हर्षोल्लास से भर जाता है। तो नागमणि क्या है? रत्न, सबको प्रिय रहता है, हर्षोल्लास से भर जाता है। इस सेंटेंस से आप याद रख सकते हैं, नाग से नागानंद, रत्नावली रत्न से रत्नावली, प्रिय रहता है से प्रियदर्शी का, और हर्षोल्लास से भर जाता है मतलब हर्षवर्धन। ये चीज़ आपको याद रखनी है और ध्यान में रखिएगा, कभी कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि हर्षचरित किसने लिखा, तो हर्षचरित हर्षवर्धन ने नहीं लिखा है। हर्षचरित किसने लिखा? हर्षवर्धन का एक दरबारी हुआ करता था जिसका नाम था बाणभट्ट। ये देखिए बाणभट्ट का चित्र आप देख पा रहे हैं, बाणभट्ट ये भी थानेश्वर का ही रहने वाला था। ठीक है, तो प्रश्न कभी इस पर पूछे जाए तो बता सकते हैं आप, थानेश्वर का ही रहने वाला था। इसने हर्षचरित लिखा था और इसने इस पुस्तक में हर्षवर्धन के बारे में बताया है। ठीक है, हर्षवर्धन को सकलोत्तर पथनाथ कहा जाता। ठीक है, उत्तर भारत पे इसका शासन था पूरा, और इसे सकलोत्तर पथनाथ इसे कहा जाता था। और हर्षवर्धन को एक और नाम से जाना जाता है, वो है शीलादित्य। ठीक है, शीलादित्य किसने दिया नाम? तो एक चीनी यात्री थे जिनका नाम था हेनसांग या वेनसांग, अलग अलग नामों से जाना जाता है, हेनसांग या वेनसांग कह सकते हैं आप। ये जो था, ये भारत आया था उस समय हर्षवर्धन के शासनकाल में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पूछा जाता है कि जो हेनसांग था वो किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के। ठीक है, अलग अलग चीनी यात्री हैं, कोई फाहिन कोई और, तो ये सब किसके शासनकाल में आए हैं ये आपको याद रहना चाहिए। तो जो हेनसांग आया था उसने हर्षवर्धन को शीलादित्य कहा था। ठीक है, एक और कथन है अगर आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप याद रख लीजिए, हेनसांग ने क्या कहा था मालूम है? भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है, परंतु ईमानदार होते हैं और भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। ठीक है, भारतीय क्या है? स्वच्छता प्रेमी हैं। ये बात किसने कही है? तो हेनसांग ने कही है, ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हर्ष, वो जो हेनसांग आ रहा था हर्षवर्धन के दरबार के शासन काल में, वो 14 साल यहाँ रुकता है भारत में। ठीक है, और जो हेनसांग रहता है उसे वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है और यात्रियों का राजकुमार। ये बात आपको याद रखना है, वर्तमान शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी के बारे में बता दिया मैंने। उसके बाद एक चीज़ याद रख लीजिए, ये अग्रहार क्या होता है ये पूछा जाता है। अग्रहार का अर्थ है, देखिए जो ब्राह्मण होते थे उन लोगों को टैक्स फ्री ज़मीन देते, टैक्स फ्री लैंड, तो वही जो दिया जाता था उसको अग्रहार कहा जाता था, मतलब ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। ठीक है, ये क्या? अग्रहार कहलाता था। ये बात आपको याद रखनी है।
इसके अलावा आप ये बात याद रख सकते हैं कि जो हर्षवर्धन था वो अपनी धार्मिक सभाएं कहाँ करता था, तो प्रयाग में करता था। ठीक है, अब अलग अलग नाम रहते हैं और कन्फ्यूजन होता है बहुत, जैसे मथुरा, प्रयाग, वाराणसी, पेशावर। अब देखिए वाराणसी, प्रयाग और मथुरा ये सब ऐसी धार्मिक स्थल के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर इसमें से हम शायद गलत कर बैठे, लेकिन याद कैसे रखना है। अब देखिए, अब हर्षवर्धन यही जो प्रयोग करना होता था वो वही प्रयोग करता था, तो प्रयोग से आप शब्द याद रख सकते हैं प्रयाग। प्रयाग में अपनी धार्मिक सभाएं करता था। ठीक है, कुंभ मेले का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, तो हर्षवर्धन को जाता है। ठीक है, कुंभ मेला जो लगता है ना, उसका श्रेय किसको जाता है, तो हर्षवर्धन को। अब देखिए, बहुत सारी मैंने जो कहानी बताई है, ऐसा नहीं कि मैंने फैक्ट्स बता दिए, इसके अलावा भी कई प्रश्न रहते हैं, लेकिन वो प्रश्न आप कैसे उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, कहानी अगर आपको याद होगी तो आराम से उस उन सभी प्रश्नों का आप उत्तर दे पाएंगे, अगर कहानी आपको याद है, नहीं तो कितना रटते बैठ रहेंगे। मेरे को मालूम होगा कुछ लोगों को ये टाइम कंज्यूमिंग लगता होगा, सूर्य का जो स्टोरी रहता है, लोग सोचते होंगे कि सीधे पॉइंट्स बताया जाए हम रट लें, लेकिन नहीं, स्टोरी सुनने से बहुत बेनिफिट मिलता है। अब जैसे मैं अगर ये प्रश्न पूछा जाता है, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया, तो हर्षवर्धन ने किया। मैंने बताया क्यों गुप्त वंश का पतन हुआ, उसके बाद कैसे छोटे छोटे राज्य सत्ता में आए। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने अलग अलग राज्यों को जीत कर पुनर्गठन किया, तो ये सारी चीज़ें आप स्टोरी मालूम रहेगी तभी। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था, तो शशांक के बारे में मैंने बताया, गौड़ शासक, बंगाल का गौड़ शासक। तो ये स्टोरी आपको याद रहेगी तभी तो आप बता पाएंगे उत्तर कि ये किसके समकालीन कौन था। ऐसा ही एक प्रश्न और, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था, तो वातापी या बादामी का था, ये आप बता सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि नर्मदा नदी के तट पर हराया था, मैंने बताया था आपको नर्मदा नदी। इसके अलावा दो चीज़ और याद रख लीजिए, घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग किसमें होता था, तो खेत की सिंचाई के लिए होता था, ये पॉइंट याद रख लीजिए, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। और दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का क्या अर्थ था, तो एरीपत्ती का अर्थ था जलाशय की भूमि। और लास्ट पॉइंट याद रखना है, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी 1/6 से 1/10। ठीक है, इतना आप पढ़िए। और देखिए दोस्तों, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये जो टॉपिक है, ये जो विषय है, ज़रूरी नहीं कि शुरू में आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो हर एक टॉपिक को पढ़ने बैठे, शुरुआत से पढ़ने बैठे, बीच से पढ़ने बैठे, ज़रूरी नहीं एक एक चीज़ रटते बैठे। आप क्या कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, जो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, जैसे मौर्य वंश, गुप्त वंश, ये वर्धन वंश से पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, मुगल काल में कुछ एक जो महत्वपूर्ण शासक रहे हैं, औरंगजेब, अकबर, ये सब के बारे में पूछा जाता है। राजपूत काल हो गया तो आपको महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, राजपूत से ही संबंधित जैसे पृथ्वीराज चौहान। तो ज़रूरी नहीं आप सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर करके रखें, शुरुआत में जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें। जब आपको लगे कि आपने सभी महत्वपूर्ण चीज़ें याद कर ली हैं, सभी विषयों पर एक बार अध्ययन कर लिया है, तब आप डीप में जाएं, अलग अलग टॉपिक जो छूट गया तब पढ़ें, लेकिन कम से कम शुरुआत में जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वो चीज़ें पढ़ें। और जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, विषय हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके वीडियो मैंने अपने चैनल में दे के रखे हैं। एंशियंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, मेरे चैनल पे जाइए, एंशियंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे, गुप्त वंश, वर्धन वंश मतलब गुप्त उत्तर काल, मौर्य वंश, और इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे। जब आप बाद में देख रहे होंगे तो आपको एंशियंट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में ये वीडियो भी आपको मिलेगा। ठीक है,